अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल शाहजमाल ऑफिशियल एकेडमी। आज एक जॉब रिलेटेड न्यू वीडियो लेके आया हूँ, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हरियाणा, इधर लिखा है, देखिए, एप्लीकेशन आर टू बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली। वेबसाइट का नाम भी लिखा है NIA.NIC.IN। फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रही है? 13/5/2023 और फॉर्म फिलअप क्लोजिंग डेट कब है? 13 जून 2023 @5 PM। ओके, इसमें क्या क्या पोस्ट है एक बार देख लेते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर है, अकाउंटेंट है, मेडिकल ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर है, फार्मासिस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, मैट्रन है। टोटल 7 पोस्ट का वैकेंसी इसमें दिया है। ओके, तो फर्स्ट में डिस्कस करती हो नर्सिंग ऑफिसर की। ओके, तो नर्सिंग ऑफिसर का ओनली एक ही पोस्ट खाली है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है? BSc, पोस्ट बेसिक BSc, GNM कैंडिडेट जो INC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से पास हुआ है वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और उसका जो लेवल 7 में कितना सैलरी मिलेगा, 44,900 रुपीज़ लेके 142,400 रुपीज़। ओके, एंड उसका एज लिमिट क्या लिखा है? 13 ईयर्स। ओके, अदर पोस्ट क्या है इसमें एक बार देख लेते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके लिए 16 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन लिखा है PG डिग्री इन आयुर्वेदा, एज लिमिट है 14 ईयर्स। अकाउंटेंट के लिए एक पोस्ट खाली है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या लिखा है? BCom एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज लिमिट 14 ईयर्स। मेडिकल ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट खाली है, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए MS और MD और एज लिमिट लिखा है 14 ईयर्स। ओके, नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक पोस्ट में पहले ही बोल दिया, BSc GNM पोस्ट बेसिक BSc कैंडिडेट जो INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन पास हुआ है वो अप्लाई कर सकती है। उसका सैलरी कितना मिलेगा? 44,900 से लेके 142,400 रुपीज़ मिलेगा और एज कितना चाहिए? 13 ईयर्स। अदर क्राइटेरिया में बोलती हूँ लास्ट में। फार्मासिस्ट का एक पोस्ट खाली है, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2 चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी। और क्या चाहिए? D-Pharm और B-Pharm। ओके, इसका सैलरी कितना मिलेगा? 29,200 रुपीज़ से लेकर 92,300 रुपीज़ तक और एज लिमिट है 14 ईयर्स। 6 नंबर में इधर लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक पोस्ट खाली है और 7 नंबर में लिखा है मैट्रन, इसका क्वालिफिकेशन सैलरी एंड मैक्सिमम एज इधर लिखा है, देख लीजिए। लास्ट में लिखा है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, इसमें लिखा है एप्लीकेशन आर टू बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली इन वेबसाइट NIA.NIC.IN फ्रॉम 13/5/2023 एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। और वेबसाइट का क्या नाम है? NIA.NIC.IN। कुछ इन्फॉर्मेशन इधर लिखा है, एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन इन इंडिया एंड इधर
एज थोड़ा रिलैक्स रहेगा, एससी एसटी के लिए कितना 5 इयर्स, और 3 इयर्स रहेगा ओबीसी के लिए, यानी इधर लिखा है नीचे देखिए पेमेंट मेथड एंड पेमेंट कितना करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस और नर्सिंग ऑफिसर के लिए जनरल कास्ट एंड ओबीसी एप्लीकेंट के लिए 2500 एंड फॉर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट के लिए और नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है वो पोस्ट के लिए क्या लाए कितना लाएगा 2000। ओके एंड एक बार फीस भरने से के बाद रिफंड नहीं होगा। इतना ही था आज का वीडियो, तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना फ्रेंड से ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।